Hello everyone and welcome to my channel Tanvalicious. I hope you guys are doing well. So in today's video, we are going to make a simple and super easy bottle art. I've taken orange acrylic paint and a sponge. I'm just pressing the sponge over the bottle, as you can see. With the help of sponge, we can paint the bottle super easily and it will also give a nice texture too. अभी एक से दो घंटे लेंगे बॉटल हमारी सूखने के लिए और सूखने के बाद हम लेंगे एक वाइट एक्रेलिक पेंट और मैं अभी एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसी के नीचे एक और लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके बाद हमें दो सिमिलर लाइंस बनानी है उसी के थोड़ा सा नीचे डिस्टेंस छोड़कर। अभी लाइंस को ज्वाइन करना है और एक स्क्वायर शेप पैटर्न बनाना है। जब हमारा स्क्वायर पैटर्न बन जाएगा तब हमें इसके बीच में एक डॉट लगानी है टू गिव इट अ नाइस लुक। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग आफ्टर कंप्लीटिंग। अब एक और लाइन बनानी है उसी की थोड़ी सी जगह छोड़कर और उसी के ऊपर हम एक और लाइन बनाएंगे। नाउ वी हैव टू मेक zigzag पैटर्न। फॉर दैट आई एम सिंपली मेकिंग ट्राइंगल्स हियर बिटवीन दिस लाइन्स। Now making opposite triangles for crisscross pattern. Now adding some polka dots for that extra heavy look.
Now drawing polka dots again between the spaces. So ऊपर के हमारे सारे डिजाइंस कंप्लीट हो चुकी है. Now we are moving towards the downwards. So बॉटल के एंड पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एंड उसी के ऊपर हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है. तो यहाँ पर हमारी 70% बॉटल बनके रेडी है. Now moving towards the next design. एंड सेम एज अबव यहाँ पर भी हमें स्क्वायर पैटर्न बनाना है. यहाँ पर हमें ये वाली आर्ट वाला पैटर्न बनाना है.
और अब जितना भी मैंने वाइट कलर इधर उधर फैलाया था उसे मैं वापस स्पंज से ऑरेंज पेंट से ठीक कर रही हूँ। नाउ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, हमें बस ये इसे क्या बोलते हैं जूट की जो रस्सी है हमें ये हमारे बॉटल के ऊपर लगाना है और मैं फेविकॉल लगा रही हूँ ऊपर एंड फेविकॉल की मदद से थोड़ा थोड़ा राउंड राउंड करके इसके लगा देना है। तो जूट का थ्रेड लगाने से इसमें एकदम बोह वाला लुक आएगा जो कि बहुत प्यारा लगता है। Finally, our bottle is ready. Do hit the like button and subscribe to the channel. Thanks for watching.